हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रिक केटल कैसे बनाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म नहीं हो रहा है और डेड है ये, तो इसको हम लोग चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये होल्डर हो गया और ये इलेक्ट्रिक केटल, और ये होल्डर दिख रहा है जो इसके अंदर ये दो पिन है। इसमें जब कनेक्शन देंगे, ये इसमें करेंट आएगा। करेंट आने के बाद इसके ऊपर जब रखेंगे तो इसके अंदर ये टच होके ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर इंडिकेट कर देगा कि ऑन हो गया आपका। तो ये चीज़ नहीं हो रहा है, डेड है, तो इसको हम लोग चलिए चेक करेंगे और सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले, सबसे पहले हम लोग होल्डर को चेक करेंगे। लाइन इसमें हम लोग कनेक्शन देंगे अभी, तो ये कनेक्शन हम लोग दे दिए और स्विच से ऑन कर दिए। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये नोब है अंदर में, नोब है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग को क्लाइमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये क्लाइमीटर है, क्लाइमीटर से हम लोग चेक करेंगे। ये एसी वोल्ट में हम लोग रख दिए, एसी वोल्ट में। अब ये नोब जो है, ये पिन जो है, ये देखिए, ये पिन दो पिन है, दोनों में टच करेंगे तो वो वोल्टेज बताएगा, 206 वोल्टेज है, यानी ये होल्डर सही है। तो इसको चलिए, ये सी परफेक्ट है, ये सही है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे केटल को। तो इसको खोलने के लिए सबसे ऊपर एक स्विच है, इसको टिपेंगे तो ये कैप इसका खुल जाएगा। तो इसको खोलने के लिए हल्का से ये पुश करेंगे, पुश करेंगे तो ये कैप इसका खुल जाएगा। ये लॉक था, यहाँ यहाँ लॉक है, इसमें फंसता है। अब फिर इसके अंदर दो स्क्रू है, दोनों स्क्रू को फिर खोलेंगे हम लोग। ये दोनों स्क्रू खुल गया। अब इसके नीचे एक और स्क्रू रहता है, ये देखिए, ये स्क्रू खुल गया। इसको हल्का से ऊपर से खोलेंगे तो ये खुल गया। अब ये इसके अंदर स्विच है, ये स्विच है, ये चीज हम लोग अभी चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये लॉक है, ये ऐसे लगता है, ये जाके ये लॉक में बैठता है स्विच का नोब। तो ये स्विच का नोब निकाल दी। अब ये स्विच को हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग कंटिन्यूटी में सेट है। यहाँ देखिए, ये कंटिन्यूटी में ये बजर है, तो इसमें कंटिन्यूटी आवाज आ रहा है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे स्विच सही है कि नहीं। तो दोनों नोब में हम लोग रख दिए, ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, ये देखिए, ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, स्विच खराब है। तो हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग नोब को चेंज करते हैं, इसको खोलते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे में एक स्क्रू दिया हुआ है, तो ये स्क्रू खुल गया, ये स्क्रू हल्का से ये खींचेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। देखिए, दो नोब है, तो ये निकल गया। हम लोग पास नया स्विच है, तो इसको भी हम लोग, ये नया स्विच और पुराना स्विच दोनों को हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी में, आपको दिखाने के लिए कि सही है कि खराब है। अब ये देखिए, कंटिन्यूटी बता रहा है, इसमें देखिए ओम भी बता रहा है, ये क्लाइमीटर में देखिए ओम भी बता रहा है, कंटिन्यूटी भी बता रहा है। अब ये पुराना वाला भी हम लोग चेक करेंगे, ये देखिए, इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, ये तो ये खराब है, इसलिए हम लोग नया वाला स्विच को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये स्विच हम लोग फिट करेंगे, इसके स्क्रू लगाते हैं, जैसे खोले थे स्क्रू, तो ये देखिए, ये स्क्रू में टाइट हो गया। अब हम लोग एक बार कनेक्शन कर लेते हैं, ये लाइन न्यूट्रल का कनेक्शन है, कनेक्शन कर लिए। अब इसको हम लोग नोब में, यानी अब इसका होल्डर में हम लोग होल्डर में लाइन देके फिर इसको हम लोग चेक करेंगे इसमें कनेक्शन लाइट आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये इंडिकेट बता रहा है, ये देखिए, ये ऑन ऑफ, यानी ये सही हो गया, स्विच से खराब था और स्विच अच्छा रहेगा। अब एक और तरीका आपको बता दे रहे, नीचे देखिए, ये नोब है, ये तीन स्क्रू है, तीनों स्क्रू को हम लोग खोलेंगे, उसके बाद क्या करना है आगे बताएंगे आपको। ये तीनों स्क्रू को खोल लिए हम लोग,
जैसे ये देखिए, ये आयरन में भी ये कट ऑफ होता है, ये इसको हल्का सा ये सेटता नहीं है, तो उसके कारण ये फिर लैंड नहीं आता है इसमें। तो ये चीज़ हम लोग हल्का सा पुश करेंगे तो ये सड़ जाएगा आपस में और कनेक्शन और ये सही हो जाएगा। और ये देखिए ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी खराब होगा तो ये गर्म नहीं करेगा पानी, लाइन में आएगा मगर ये गर्म नहीं करेगा। तो उसको भी चेक करके आपको बता देते हैं कैसे तरीका चेक करने का। ये कंटिन्यूटी में हम लोग रखा हुए है, देखिए ये क्लाइमीटर को कंटिन्यूटी में रखा हुआ है, बजर बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है, इसको देखिए ये सही रहेगा तो ये भी देखिए वो क्लाइमीटर में देखो, क्लाइमीटर में भी देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी ये सही है एलिमेंट। और ये एलिमेंट खराब रहेगा तो लाइन उन आएगा मगर गर्म नहीं करेगा पानी। तो ये तरीका है। तो चलिए हम लोग इसको फिट करते हैं, जैसे खोले थे उसी तरह हम लोग फिट करेंगे। कनेक्शन हम लोग कर नहीं पाते तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन शॉट या वीडियो कर लेंगे, तो उसे बाद में क्या होगा कि आप देख के अपने से समझ सकते हैं कि कनेक्शन कैसे था और कैसे है। तो ये चीज़ हो गया, अब हम लोग इसको फिट करेंगे। तो ये हम लोग इसको फिट कर रहे हैं, केटल बन गया। तो अपने घर अब तो ये अपने से आप रिपेयर कर सकते हैं, ये लॉक में बैठना चाहिए, ये लॉक में बैठना चाहिए। अब ये तीनों स्क्रू हम लोग टाइट करेंगे, ये ऊपर नीचे का बेस ये टाइट हो गया, अब ऊपर का हम लोग ये फिट करेंगे। तो स्विच सबसे पहले हम लोग स्विच लगाएंगे, ये देखिए ये लॉक इसमें ऐसे जाके और ये पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगा, ये लॉक स्विच बैठ गया। अब इसका कवर हम लोग लगाएंगे, तो ये देखिए ये देखिए स्विच बैठ गया, कवर बैठ गया इसका। अब इसमें स्क्रू जो जो खोले थे वो स्क्रू हम टाइट करेंगे, ये टाइट हो गया, स्क्रू टाइट हो गया, ये स्क्रू टाइट हो गया। तो इसका अब हम लोग कवर लगाएंगे, तो ये देखिए ये लॉक है, तो ये हल्का सा इसको देखो ये लॉक में बैठ गया। अब इसमें हम लोग पानी डाल के गर्म करके चेक करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि ये बना है कि नहीं। तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे उसको, तो ये देखिए देखो ये इसमें पानी डाल रहे हैं हम लोग और चेक करेंगे हम लोग कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। इसको हम लोग तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये स्विच से हम लोग लाइन दे दिए और ये देखिए ये ऑन हो रहा है, ये यानी इंडिकेटर बता रहा है ये ऑन का इंडिकेटर है और इसमें पानी भी गर्म हो रहा है, देखिए ये पानी भी गर्म हो रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।